हवेली खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि पूरी बिहार में 5 ग्रीन हॉस्पिटल पास हुई है, जिसमें एक हमारे हवेली खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी नाम है, जो भी लमसम तैयार होने के कगार पर भी है। करोड़ों की लागत से बनी यह हॉस्पिटल सुविधा एवं लापरवाही के नाम पर बिल्कुल जीरो के समान है। लापरवाही के लिए कई बार हवेली खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुर्खियों में आ चुका है, पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर अभी तक प्रभारी एवं कर्मचारी का रवैया बदला नहीं गया। करोड़ों की लागत से यह हॉस्पिटल में महीनों से ज़्यादा हो चुका है, पर एक पंखा भी ठीक नहीं किया गया, जिसकी तार टूटी है, वह भी इमरजेंसी वार्ड के पास। यह गुमस उमस भरी गर्मी में भी मरीजों को एक पंखे तक की सुविधा नहीं दी जा रही, जिसके कारण मरीज अपने घरों से या तो बाजार से खरीदकर पंखा इस्तेमाल करते दिखे गए। इस बात की जानकारी भलुआ कॉल निवासी सुशील बिंद जब अपने पति को इलाज के लिए हवेली खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए तो इमरजेंसी वार्ड के पास एक पंखा तक की सुविधा नहीं होने से स्टाफ से पूछने के बाद बताया कि उन्होंने कि ये बहुत दिनों से खराब है, आप मार्केट से पंखा ले आइए। इससे भी बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब ड्यूटी में तैनात नर्स मास्क तक नहीं लगाई हुई थी, जहां एक और प्रधानमंत्री के द्वारा महामारी से बचाव के लिए इतने नियम लागू करते हैं, जहां इसकी सबसे अधिक अभी आवश्यकता दिखानी चाहिए, वहीं सबसे ज़्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। सारे प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई देखी जा रही है। हवेली खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ के द्वारा लापरवाही की वजह से रोगियों के बीच भय का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि अनेक प्रकार के रोगियों को ये लोग देखते हैं, वो भी बिना मास्क एवं दस्ताने का। इससे संक्रमित होने का खतरा हो सकता है, जिससे लोग सार्वजनिक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं।